वेलकम टू एग्जामगढ़। आज है 23 जून 2019 और 23 जून 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद में आपको उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंबुवाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अंबुवाची मेला गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। हर साल असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में 22 से 26 जून तक 5 दिवसीय अंबुवाची मेला आयोजित होता है और कामाख्या देवी मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इस मेले को पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में बिहार को अंतिम स्थान मिला है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। इस सूची में बिहार 21वें स्थान पर सबसे नीचे रहा है जबकि उत्तर प्रदेश 20वें स्थान पर रहा है और इस सूची में केरल प्रथम स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री व विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग के साथ तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3G सर्विस बंद करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो हाल ही में 3G सर्विस बंद करने वाली पहली कंपनी एयरटेल बनी है, तो इसका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। एयरटेल कंपनी ने हाल ही में कोलकाता में अपनी 3G सर्विस बंद कर दी है। साथ ही एयरटेल टेलीकॉम कंपनी 3G सर्विस बंद करने वाली पहली कंपनी बन गई है। हालांकि 2G सर्विस जारी रहेगी और अब कंपनी 4G पर फोकस करेगी। देखिए यहां पर बात की गई है एयरटेल की, तो आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को की गई थी, 7 जुलाई 1995, और इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं जबकि प्रेजेंट टाइम में इसके MD एवं CEO गोपाल विट्टल हैं। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। भारत में 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियो लाइक नहीं करना तो जो भी वीडियो में कमी लगी हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उस कमी को दूर कर सकूँ। नेक्स्ट, मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हाल ही में मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है और एशिया में सबसे महंगे 20 शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI द्वारा ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए लॉन्च की गई भारत की अवे किट का रंग कैसा है? तो हाल ही में BCCI ने ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की अवे किट लॉन्च की है जिसका रंग नीला रंग नारंगी रखा गया है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो उससे पहले इसके बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। BCCI द्वारा ICC क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की अवे किट 28 जून 2019 को लॉन्च की गई। विराट कोहली की टीम बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ इस जर्सी में खेलेगी। जैसा कि इंग्लैंड और भारत दोनों ही नीले रंग की जर्सी पहनते हैं तो इसलिए उन्हें ICC नियमों के अनुसार अपनी अवे किट पहननी होती है। नई जर्सी का रंग नीले तथा नारंगी रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आइए मैं आपको इस जर्सी की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ।
तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यही है भारत की नई जर्सी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पुरस्कार 2019 किसे मिला है? तो हाल ही में महात्मा गांधी पुरस्कार 2019 सैम ब्राउन बेक को मिला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में हाल ही में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के राजपूत सैम ब्राउन बेक को विश्व में अनेक देशों में धार्मिक बहुलतावाद को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के जन्मदिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस IIT में अंतर्देशीय व तटीय समुद्री तकनीक केंद्र CICMT की स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में IIT खड़गपुर में अंतर्देशीय व तटीय समुद्री तकनीकी केंद्र CICMT की स्थापना की जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने सागरमाला कार्यक्रम के तहत अंतर्देशीय व तटीय समुद्री तकनीक केंद्र CICMT की स्थापना के लिए IIT खड़गपुर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस केंद्र में तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाजों के डिजाइन पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, 32वीं अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का आरंभ किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में 32वीं अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का आरंभ हैदराबाद में हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की 32वीं कांग्रेस 26 जून को हैदराबाद के तेलंगाना में आरंभ हुई है। इसका आयोजन पहली बार दक्षिण एशिया में किया जा रहा है। इसमें 600 से अधिक बीज विशेषज्ञ अधिकारी एवं नीति निर्माता तथा कई कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसमें लगभग 70 देशों की कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट, एशियन लीडरशिप समिट में इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर गौरव निगम को एशियन लीडरशिप समिट में इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। डॉक्टर गौरव निगम एक लेखक, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ तथा शिक्षाविद हैं और इन्हें हाल ही में एशियन लीडरशिप समिट में इनोवेटिव रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। उन्होंने आई केयर नामक संगठन की स्थापना की है। यह संगठन बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंटेलिजेंसिया नामक रिसर्च बेस्ड प्ले स्कूल की स्थापना भी की है। नेक्स्ट, आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर पुस्तक के लेखक सुशील कुमार हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया। इस पुस्तक को नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिए गए प्रमुख रक्षा निर्णयों पर आधारित है। एडमिरल सुशील कुमार 1998 से 2001 के बीच नौसेना प्रमुख रहे हैं। तो कल की वीडियो का आंसर है, डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मेटे फ्रेडरिकसेन डेनमार्क की नई प्रधानमंत्री बनी है। अब आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, किस देश में सिख एयरमैन हरप्रीतंदर सिंह बाजवा ने इतिहास रच दिया है जब उन्हें पगड़ी पहनी हुई वहां की वायुसेना में सेवा का मौका दिया गया? तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो, आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आंसर देने की कोशिश सभी लोग किया करिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। और डेली करंट अफेयर्स की नोट्स ज़रूर बनाया करिए, इससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा जब आपको रिवाइज करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो लाइक नहीं करना तो प्लीज़ बताइए वीडियो में क्या कमी लगी थी।
आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे किसी भी क्वेश्चन का डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।